और बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी आगामी आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में अब 17 मई को पार्टी के प्रदेश प्रभारी बरिंदर कुमार गोयल और सह प्रभारी रोहित महलोरिया देहरादून पहुंचेंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी के समन्वय समिति के अध्यक्ष ज्योत सिंह बिस्ट ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पंजाब संगरूर के लहरा विधानसभा के विधायक और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री वरिंदर कुमार गोयल जी को उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाया, और श्री रोहित महरोलिया जी जो दिल्ली त्रिलोकपुरी सीट के विधायक हैं उनको सह प्रभारी बनाया। ये इतना बेहतर कॉम्बिनेशन है कि वरिंदर कुमार गोयल जी वरिष्ठ आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और रोहित महरोलिया जी नौजवान हैं, तो दोनों का बेहतर कॉम्बिनेशन उत्तराखंड के अंदर उनके मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी बड़े उत्साह से अपने दोनों नेताओं के प्रथम बार देवभूमि आगमन पर स्वागत के लिए तैयार है। हमारा जो ये प्रदेश कार्यालय यहाँ पर पंडाल लगा करके तकरीबन 2000 लोगों के आने की संभावना है, और नई ऊर्जा के साथ उनका मार्गदर्शन लेकर के यहाँ से जब लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो गढ़वाल मंडल के सभी 7 जिलों में कार्यकर्ता इस संदेश के साथ आगामी जो निकाय के चुनाव हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनकी तैयारी में लगेंगे।